हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एग पोटैटो करी, अंडे का सालन, जिसके लिए हमने लिए हैं 4 एग, अंडे, 4 पोटैटोस, आलू, चिल्ली पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून, गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है हमने 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये टोमेटो प्यूरी है जिसको हमने 2 बड़े टमाटो को, फ्रेश टमाटो को हमने पीस कर प्यूरी बना ली है। ये एक अनियन है बड़ा साइज का जिसको हमने काट कर फ्राई कर लिए है। एक कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून और ये फेनोग्रीक है, मेथी दाना 1/2 टी स्पून। ये बे लीफ लिए हैं हमने, तेज पत्ता 2 लिया है और ये कोरिएंडर। ये देखिए पोटैटो को हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है और हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम पहले जब अच्छी तरह से ऑयल गरम हो जाए तब हम इसमें पोटैटो डालेंगे। पोटैटो को और एग को हमें फ्राई कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें पोटैटो डाल देंगे। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं हम हमारा मसाला बना लेते हैं। हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और उन्हें निकाल लेंगे। ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं और देखने में भी अच्छे दिखते हैं। टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे इसमें। कोरिएंडर पाउडर, चिल्ली पाउडर, तेज पत्ता ऐड करके यहाँ पर हम एग डाल देंगे। ये
अनियन फ्राई करके रख लो तो खाना बनाने में बहुत इजी हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। हमारे एग भी फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मसाले को हम 2 मिनट तक भुनने देंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। सॉल्ट ऐड कर आलू हमारे फ्राई किए हुए हैं तो ज़्यादा देर गलने में नहीं लगेगी इसको, फिर भी 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें, 3 से 4 मिनट हम इसे पकने देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चेक करें, एग ऐड कर देंगे। अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला हमेशा बाद में डालें ताकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है। ऐसे हम 2 मिनट तक पकने दें।
दो मिनट पका लेंगे। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अभी हमारी एक करी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी एक पोटैटो करी रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।